हेलो एवरीवन, सबको मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ निदा, मैं सऊदी अरब में रहती हूँ। वहाँ से छोटे छोटे व्लॉग्स और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखें, आज मैं फ्रोज़न पालक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब भी आप बनाने का सोचते हैं पकौड़े, तो घर में पालक नहीं होता, तो इसका सबसे अच्छा हल है कि आप फ्रोज़न पालक घर में रखें और आराम से फिर आप बना सकते हैं। इसी से आप कोई रेसिपी भी, जैसे पालक गोश्त, वो भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी बन जाती है, पाकिस्तान में तो आराम से मिल जाता है, लेकिन हम जैसे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो फिर हमें इस तरह फ्रीज़र में रखनी पड़ती हैं इन चीज़ें। तो बस देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इसके बाद मैं इसके अंदर सिंपल जिस तरह हम ऐड करते हैं बाकी चीज़ें, प्याज, आलू ऐड किए हैं और पालक ऐड किया है। और इसके अलावा बस मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करूँगी और बहुत अच्छे इससे बन जाते हैं पकौड़े वगैरह भी, और जैसे पालक गोश्त बहुत अच्छा बन जाता है। तो अगर आप लोग भी चाहें ट्राई कर सकते हैं, इससे पालक घर में रख सकते हैं। वैसे तो फ्रोज़न चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन ना होने से बेहतर है कि कोई चीज़ हो तो वो फ्रोज़न चीज़ें। बस बाहर पाकिस्तान से रहने में यही नुकसान होता है कि पाकिस्तान वाली चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन बस ये है कि फिर फ्रोज़न चीज़ों से ही काम चलाया जाता है। तो बस देखें, मैं एक तरफ पकौड़े बना रही थी और कुछ मैंने आलू के पकौड़े बनाए हैं। बस अब कुछ दिन की ही अफ्तारी वगैरह है, उसके बाद तो फिर प्रॉपर खाना ही बना करेगा। तो बस देखें, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सोडा भी ऐड किया था, जो इसका मिक्सचर रेडी किया था। तो माशाल्लाह बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट से पालक के पकौड़े बने थे। और इसके अलावा मैंने कुछ देखें टिक्के बनाए थे, और ये एयर फ्राई में बग़ैर तेल के बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे। अब तो बहुत, आई थिंक बहुत लोगों ने पाकिस्तान में भी एयर फ्राई ले लिया है। एक दफ़ा आप ले लें, जब भी लें बड़े साइज़ का लें, और फिर आराम से इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल में मौजूद हैं, जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं जैसे, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं रेसिपीज़ देख के। तो बस देखें, इसके अलावा कुछ समोसे हैं, कुछ चाट है, कुछ लेफ्ट ओवर फ्रूट चाट थी वो भी है। तो बस ये माशाल्लाह हमारी इफ्तारी है, और बस देखेंगे हमने माशाल्लाह इफ्तारी की। उसके बाद देखें बर्तन, देखें कितने ज़्यादा हो गए हैं। और बस काश ऐसा सिस्टम हो के चुटकी बजा के किचन बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो बस जब भी आप बर्तन धोएं तो ज़रूर अच्छी सी क्रीम ज़रूर फिर हाथ पे ज़रूर लगाया करें, वरना हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैं आपको दिखाई दी, देखिए मैं अच्छी सी क्रीम लगा ली, सब बर्तन वगैरह धो लिए थे, कुछ रेस्ट किया। और मैं अब आपके साथ शॉपिंग शेयर करूँगी, जो कि हम टेंट सिटी गए थे और बच्चों ने कुछ खिलौने वगैरह भी लिए थे वहाँ से। अच्छी सी ट्रेन ली है मुजम्मिल ने। बस इसके बाद मैं आपके पास एक दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। जो लोग सऊदी अरब रियाद में रहते हैं तो वो ट्राउज़र वगैरह अगर चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े हैं यहाँ पे, ट्राउज़र बहुत अच्छे हैं, हर कलर में मिल जाते हैं। तो ज़रूर आप लोग विज़िट करें, अदरवाइज़ इस तरह के ट्राउज़र अगर आप सेंटर पॉइंट से लेना चाहें, मैक से लेना चाहें, तो 40, 50, 35 के मिलते हैं, लेकिन यहाँ 13 रियाल के मिल गए, तो बहुत अच्छे रहते हैं ये। और देखें, जीन्स का मैंने अपने लिए लिया था, एक इस तरह का ट्राउज़र भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा कपड़ा था इसका, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्राउज़र वहाँ पे आए हुए थे आजकल, कभी कभी आते हैं, वरना अक्सर जाओ तो नहीं आए हुए होते, लेकिन कभी इस तरह हम लोग गए थे तो वहाँ पे अच्छे से ट्राउज़र आए हुए थे। कुछ मैंने टी शर्ट्स ली अपने लिए घर में पहनने के लिए, कुछ अरीज के लिए भी लिए थे, बच्चों के लिए लिए थे ट्राउज़र वगैरह घर में पहनने के लिए। तो सेंटर पॉइंट में तो बहुत अच्छे कपड़े वगैरह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे यह है कि अच्छी कम प्राइस में आपको घर में पहनने वाले कपड़े अच्छे से मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चा को पता है बार बार कपड़े गंदे करते हैं, बार बार चेंज करवाना पड़ता है उनको। तो इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, टी शर्ट्स भी बहुत अच्छी रहती हैं यहाँ पर। तो ज़रूर जाएँ आप लोग भी अपने लिए अच्छी अच्छी टी शर्ट्स और ट्राउज़र लेके आए वहाँ से। तो बस मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। कुछ मैंने शही के ट्राउज़र लिए थे घर में पहनने के, ट्राउज़र बहुत अच्छे मुझे इस दफ़ा वहाँ से मिले हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने आज शीट माल ये वाले यूज़ किए थे, ये भी फ्रोज़न हैं और फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किए हैं। हम लोग अब इसे सहरी करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह के हैं शीट माल ये। और वही बात कि पाकिस्तान में तो बहुत माशाल्लाह आराम से मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन बहुत एक दो शॉप से मिलते हैं, लेकिन वो ख़ास इलाके में जाना पड़ता है। जब जाते हैं जब लेके आ जाते हैं, लेकिन अगर रूटीन में आप चाहें तो फिर इस तरह फ्रीज़र करके आप आराम से ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैकेट है ये, और ये हर हमें किसी पाकिस्तानी शॉप से मिल जाता है, आप ले सकते हैं। तो बस देखिए, मैंने इसके साथ थोड़ा सा कोरमा बनाया था, क्योंकि शीर माल हो और कोरमा ना हो तो ये, अभी तो खैर इतना टाइम नहीं था सहरी में कि मैं बहुत चिकन बनाऊँ, तो मैंने बोनलेस बस थोड़ा सा बना लिया था। तो कभी कभी इस तरह की अंडा पराठा के अलावा भी कभी कभी इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं सहरी में। तो बस देखिए, मैंने थोड़ा सा
अपने और अपने बच्चों के लिए इस तरह का अगर आप लोग भी चाहें ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने आपके साथ छोटी मोटी चीज़ें अपनी जो ज़िंदगी में होता रहता है वो शेयर की हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और बस अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। पर इसके अलावा सबका देखने का बहुत शुक्रिया, सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।